राइट का सिस्टम करने के बाद लॉकडाउन में आज चौथे दिन हम खड़े हैं बजरिया चौक में, लेकिन ट्रैफिक हैजार्ड की पोजीशन दिखाते हैं कि जाम कितना है, निकल नहीं पा रहा है। एक घंटे से ये जाम है, मैं फंसे हुए हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं, इधर भी गाड़ियां फंसी हुई हैं, लेकिन दुकानदारों ने तो प्रोटोकॉल का पालना की हुई है, लेकिन पुलिस वाले आज हम बताते हैं कि कैसे एक मिनट में चालान काट देते हैं कहीं भी किसी का भी, लेकिन जाम खुलवाने की पोजीशन में नहीं है। देखिए, एक साइड की दुकानें बंद हैं, एक साइड की दुकानें खुली हैं। आज व्यापारी भाइयों का हम अभिवादन करते हैं, हमेशा इनको कहते हैं कि आप प्रोटोकॉल का पालन कीजिएगा, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े ट्रैफिक आ रहे हैं छोटे बाजार के अंदर, और जाम की पोजीशन आप सब देख लीजिएगा कि कोरोना महामारी फैलेगी नहीं तो और क्या करेगी। ये इतने बड़े बड़े ट्रैफिक यहाँ फंस जाते हैं। बताइए आजय जी, ये कि क्या हाल है, आप तो एडिटर हैं हाल से की आवाज़ के। ऐसा बंसल जी, हमारा प्रशासन चालान काटने में थोड़ा तेज, चाहे नगर परिषद हो चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, चालान काटने में टाइम नहीं लगाते। इसने दुकान खोल ली, ये बाहर खड़ा था, इसने ये कर दिया, लेकिन हालात देखो, ये भी तो संभालो ना थोड़ी व्यवस्था। व्यवस्था किसी जिम्मेवारी है, व्यवस्था ही नहीं किसी और प्रशासन की। चालान काटने का रखते हो तो कम से कम जिम्मेवारी भी निभाओ। ये देखो जाम का क्या बुरा हाल है, सारा शहर बिल्कुल सील हो पड़ा है जाम में। कहते हैं ये देखिए जाम की पोजीशन देखिएगा, दुकान खुलते ही एक मिनट चालान काटने आते हैं। अब कहाँ गया पूरा प्रशासन, कहाँ है पुलिस, कहाँ कर्मचारी नगर परिषद के? इधर करिए कैमरा घुमाइए एक बार कि व्यापारी भाइयों ने तो बिल्कुल प्रोटोकॉल पालन किया हुआ, हम बिल्कुल नहीं कोस रहे हैं, लेकिन जाम की पोजीशन इतनी बुरी हालत है यहाँ पर कि भी एक के ऊपर एक यानी व्हीकल चढ़ा हुआ है। कहते हैं कि दो गज की दूरी मास्क है जरूरी, लेकिन यहाँ तो दो इंच की दूरी भी नजर नहीं आ रही है। आपका प्रोटोकॉल तो पूरा है, ये कब से जाम लगा हुआ है बाजार के अंदर? पुलिस प्रशासन के द्वारा चालान तो एक मिनट में हो जाता है। हाँ ठीक है जी, अब जाम का कितना बुरा हाल है आप तो सामने खुद देख सकते हैं। हाँ अब बताओ क्या करें, कल एक मिनट शॉप खोले तो पुलिस एक मिनट में आ जाती है, आज सुबह से एक राउंड भी नहीं आया। क्या क्या नाम है आपका? सागर नाम है। सागर नाथ, बिल्कुल सागर नाथ जी, हम आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं। भाई साहब भी जाम में फंसे हैं, ये जाम में फंसना कितना? जाम में बहुत दिक्कत आ रही है, बड़ी गाड़ियां फंसा रहे हैं इस अंदर, बड़ी गाड़ियां फंसा रहे हैं। कितनी देर से जाम में फंसे हो? कारों को रोकना चाहिए। पुलिस प्रशासन है या कहीं नजर आता है? नहीं नहीं है कोई। लगता है कि सारा पूरा का पूरा शहर यही आप खड़ा हुआ है, लेकिन दुकानें एक साइड की खुली है, एक की बंद है। जाम की पोजीशन देख लीजिए आपका, इस तरह से अगर ये जाम लगा रहा, और हम कहते हैं कि कोरोना दूर हो गया है, कम केसेस आने शुरू हो गए हैं, लेकिन हम दोबारा निमंत्रण देंगे तो यहाँ पुलिस को होना चाहिए, वहाँ बैरिकेड लगे हुए हैं, पुलिस कर्मचारी खड़े मिलेंगे, लेकिन अपनी ड्यूटी का तो पालना कीजिएगा कम से कम, यानी कि ट्रैफिक की व्यवस्था बनाएं और ट्रैफिक हजार ना होने दें, ये भी एक प्रोटोकॉल में आता है। नमस्कार, देखते रहिए हाथी की आवाज़। मैं राजीव बंसल इसी तरह आपको समस्याओं से अवगत कराता रहूँगा, और ये जाम की पोजीशन ट्रैफिक हजार जो है इसी तरह दिखाते रहेंगे। अब पुलिस साहिबान से हम निवेदन करते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त कीजिए। मैं मेरे सहयोगी रवि सैनिक